अस्सलाम वालेकुम, तलाश के साथ हाजिर अनीक नाजी। हमने देखा कि 29 मई को ड्रोन अटैक होता है पाकिस्तान में, और उसके बाद दूसरा ड्रोन अटैक 10 दिन से भी कम वक्फे के अरसे में 7 जून को हो जाता है। अच्छा, अब ये वो दिन है जिस दिन वफाकी काबीना ने हल्फ उठाया। क्या ये ड्रोन अटैक जो हो रहे हैं ये एक रूथलेस पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है, रिगार्डलेस के इस्लामाबाद में हुकूमत पीपल्स पार्टी के हो, मुस्लिम लीग के हो या केयर टेकर्स बैठे हों, या फिर एक और कंस्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक ये कोई पॉलिटिकली मैसेज देना मकसूद है कि ईगोज का बैलून अगर बड़ा है तो वो उसको पंक्चर कर दिया जाए। इसके अलावा गुफ्तगू आज हम करेंगे सिंध में अमनोमान की सूरत हाल और चैलेंजेस, बलूचिस्तान में गुमशुदा अफराद के हवाले से अब आगे क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा, और उसके बाद इसके साथ मुख्तलिफ इशूज़ पर, और फिर प्रोग्राम के एंड में एक समाजी मसले पर भी बात होगी। इन तमाम मौजूद पर जिस पर हम गुफ्तगू शुरू करेंगे ड्रोन अटैक से, हमारे साथ स्टूडियो में लाहौर में तशरीफ़ फरमाया जनाब सैनेटर SM जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे पीर अमीनुल हसनात शाह साहब, वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं बराए मज़हबी अमूर। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, खुश आमदीद। अच्छा जी SM जफर साहब, बात करते हैं जी ड्रोन अटैक 10 दिनों से भी कम अरसे में ये दूसरा, अब आप किससे इत्तफाक करते हैं कि क्या ये कोई पॉलिटिकल मैसेज दिया गया है या रूथलेसली अपनी पॉलिसी को फॉलो किया जाता है बेशक यहाँ कोई भी हुकूमत हो? आपने दोनों बातें कही हैं। आज वजारत खारजा ने अमरीकी नुमाइंदगान को बुलाकर सख्त एहतजाज किया है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये एहतजाज सदा बसहरा रहेगी। वजह उसकी ये है कि वो दोनों मफरूजे जिसका आपने जिक्र किया है उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। हमें दरअसल अमरीका का जहन समझना होगा और ख़ास तौर पर ओबामा के पॉलिसी को। अपनी दूसरी टर्म में ओबामा ने एक ख़ास पॉलिसी बनाई है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। एक तो बुश की पॉलिसी थी, ठीक, डिक चैनी की पॉलिसी थी, ठीक। ये दुरुस्त है कि हमारे इन दोनों हुकूमतों के सरबराहों ने, वफाक के और खैबर पख्तूनख्वा के, यानी कि नवाज शरीफ ने और इमरान खान ने, कहा था कि अगर हमें हुकूमत मिले तो हम ड्रोन अटैक बंद करवा देंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये तो एक जिसे आप कहेंगे इंतखाबी नारा भी था, इंतखाबी वादा भी था, इंतखाबात में वोट लेने के लिए। अब सफर साहब, ये कोई इनको मैसेज दिया जा रहा है या इनको मैसेज से ताल्लुक नहीं है, ये मुस्तकिल पॉलिसी है? मैसेज से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। इसको ये समझ लेना चाहिए कि उनके यहाँ सोच क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान उनके लिए एक मुल्क है। उन्होंने पूरे दुनिया के ग्लोबल पॉलिसी के लिए एक डॉक्ट्रिन बनाया है, एक असूल कायम किया है जिसे कहते हैं ओबामा डॉक्ट्रिन, ठीक है। उम्मीद है कि आपने भी पढ़ा होगा। यानी उसके ये दुरुस्त है, फिर मौजूदा हुकूमत का आना, टाइम, ये फेडरल कैबिनेट का हल्फ उठाना, इसका कोई ताल्लुक इट इज़, ये बैड लक है मैक्सिमम। अच्छा ठीक है, उसकी पोजीशन ये है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि हम फुट सोल्जर्स नहीं भेजेंगे। फुट सोल्जर्स महंगे भी होते हैं, ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। अब नई टेक्नोलॉजी जो उनके हाथ में आई है ड्रोन अटैक की, उसको वो समझते हैं कि ये बड़ी प्रिसिशन है और इसे हमने बहुत अब तक कामयाबी हासिल की है, जिसने उनकी कामयाबी में वो फहरिस्त में गिनते हैं। और जहाँ कहीं उन्हें मयसर आएगा टारगेट, वो किसी हुकूमत की सोच और ख्याल और उनके मौका के मुताबिक कोई परवाह नहीं करेंगे, वो अपनी उस पॉलिसी पर अमल करेंगे। पीर साहब, आप फरमाइएगा कि ये पहला टेस्ट, आप SM जफर साहब फरमा रहे हैं कि ये ड्रोन अटैक्स कोई आपको मैसेज देने के लिए जाहिर नहीं थे, ये एक मुस्तकिल पॉलिसी है जो जारी है। अब टाइमिंग ऐसी हुई है कि जब आपने ओथ लिया उसी शाम को हो गया, अब क्या यानी एहतजाज तो ठीक है, वो अमरीकी सफेद एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं थे, बाहर थे, लिहाजा वो चार्ज दिया, फिर को बुला के एहतजाज कर दिया। 370 अटैक हो चुके हैं, को 300 दफ़ा हम एहतजाज कर चुके हैं, यही सब कुछ पहले भी होता रहा है, तो फिर तब्दीली क्या है पीर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम राजीव साहब, मैं सबसे पहले आपका और दुनिया टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने हमें इस अपने मुअक्कर प्रोग्राम में हाज़र होने का मौका बख्शा। मैं दुआगू हूँ अल्लाह आपके इदारे को और आपको तरक्की अता फरमाए, तमाम जितनी पाकिस्तान, यकीन। मैं इस सिलसिले में जनाब मोहतरम SM जफर साहब ने बड़ी पते की बातें बताई हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो अगरचे हमारे दिमागों के पस मंज़र में ये बातें मौजूद थीं कि हर वो चीज़ जो मुल्क को कौम के लिए
तकलीफ़ का और परेशानी का सबब है वो हमारा टारगेट है, हमने उसके लिए काम करना है और उसी वादे के बिना पे हम वोट भी वोटरों से मांगते रहे। आपको वोट मिल भी गया, अब वो तब्दीली, पीर साहब तब्दीली मतलब ये कि वो एहतजाज हो गया लेकिन एम्बेसडर को बेदखल नहीं किया गया, कोई सफारती कोई नई चीज़ नहीं आई कि हम पता चले कि वाकई एहतजाज ऐसा हुआ जो उससे पहले हमें देखने में नहीं मिला। एहतजाज तो हुआ और वो पहले हुकूमतें बड़ी बड़ी बात है, हम एहतजाज करते हैं कि जी हम एहतजाज करते हैं, 370 अटैक हुए। हकायक भी आप जानते हैं कि इन अटैकों के पस मंज़र में किस हकूमत का क्या रोल रहा है, और ये भी आप जानते हैं कि इन कुव्वतों के साथ किस पैमाने पे किस लेवल पे जाके बात करनी होती है। हमारे यहाँ बेशुमार इल्मी कमी हमारे पास है, साइंसी कमी हमारे पास है, माशी कमी हमारे पास है, बेशुमार ये कमजोरियाँ हमारे अंदर मौजूद हैं। ठीक साहब, आपका आप वज़ीर मुमलिकत हैं बराए मज़हबी अमूर, हम यानी हमारा दीन है इस्लाम के सच, एक सच जो है वो 100 झूठ से निजात दिला देता है, ये तो हम मानते हैं, यही तालीमात हैं कि सच। तो क्या आप अपनी क़यादत को ये मशवरा देंगे कि वो जिस मुमकिन हद तक हो सकता है, सिक्योरिटी के मामला की मैं बात बहुत तफसील में नहीं जाता, लेकिन अगर वो ये सच बोल दें, मतलब 12 अक्टूबर 1999 के बाद से अब तक उनकी बराह रास्त वफाकी जिम्मेदारी कोई नहीं बनती, वो सच बोल के कौम को इत्माद में लेने जो भी मामला हैं, सच यही बोल रहे हैं कि ये गलत है, इसलिए उनको बुला के अमेरिकन को उन्होंने इस चीज़ के बारे में उनकी राय उनको बताइए, अपनी राय बताइए। ये तो सच है कि एहतजाज हो गया, ये तो वाकया है, ये तो सच है कि बात है रुसवाई की, असल बात रुसवाई की है, लेकिन दूसरा सच जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और सच वो सच होता है जो मुकम्मल सच बताया जाए, और हसनाज साहब माशाल्लाह मुबारक हो उनको, बड़ी कामयाबी हासिल की उन्होंने। तो मैं ये कहूँगा कि सच पूरा ये है कि हम अभी हुकूमत अमेरिका को इस मामले से रोक नहीं सकेंगे, ये उनकी बाकायदा वार अगेंस्ट टेररिज्म की पॉलिसी का हिस्सा है, और उन्होंने ड्रोन के लिए इतने पायलट्स तैयार कर लिए हैं कि इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स में ड्रोन पायलट की तादाद ज़्यादा है, और जिनको लफ्ज पायलट कहते हैं वो मेरे और आपकी तरह। असल सफर साहब वक्त का, मैं जल्दी बताइएगा, क्या है ये कोई डिप्लोमेटिक ऐसा कोई कर सकते हैं, कोई दूसरे ममालिक के साथ कोई लॉबिंग करके रुकवा सकते हैं, कोई चांस है इनके पास? सर इनके पास चांस ये है कि वो लॉबी जो अमेरिका में डेवलप हुई है, जिन्होंने ड्रोन अटैक को इंसानी हकूक के खिलाफ कहा है, उनके साथ रब्ता करें और उसमें शामिल होकर आवाज़ बुलंद करें। जैसे हमने खातून देखा ओबामा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सकें एहतजाज कर रही थी, वो यहाँ भी आई थी, यहाँ भी आई थी इमरान खान के, उसको आगे लेकर चलें और साथ साथ अपना ये एहतजाज है या इस्तदा है इसको भी करते रहें। वक्त हुआ जी एक मसल ब्रेक का, उसके बाद दोबारा आपसे ही मुलाकात होती है, देखते रहिए दुनिया। बड़े मसले में एक अहम मसला अमन व अमान का भी है, जिसमें खास तौर पर कराची सबसे ज्यादा मुतासर है। कराची में अब तक सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जानें जाया हो चुकी हैं। शहरियों के मौत का शिकार होने की वजूहात में टारगेट किलिंग, नस्ली तासुब, फिरका वारदियत, अगवा बराए तवान, बम धमाके, सियासी तनाव, गुर्बत, कब्जा माफिया शामिल हैं। कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकना इंतहाई पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए 30,000 से भी कम पुलिस अहलकार अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। शहरी कराची में औसतन 12 अफराद रोजाना जबकि 2400 अफराद सालाना लुक में अजल बन जाते हैं। न्यूयॉर्क में औसतन 2 अफराद रोजाना हलाक होते हैं। लंदन में सालाना 170 अफराद जराइम की वारदातों में कत्ल होते हैं, मगर कानून की हुक्मरानी की वजह से लंदन और न्यूयॉर्क के जराइम में मुलव्वस अफराद अपने जुर्म की जल्द या देर सजा जरूर पाते हैं। कराची में होने वाली खून रेजी की रोकथाम पर फौरी और दुरुस्त इकदाम नहीं किए जाते। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें जाहिर है ये अफसोसनाक हकायक हमारे सामने आए। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहबा और ख्वाजा अरुल हसन साहब भी MQM के रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शर्मिला फारूकी साहबा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शर्मिला साहबा, ये है वो ह्यूज चैलेंजेस जिनका अब आपको सिंध में सामना है, यानी पहले तो आपके वफाक में हुकूमत थी और कहा जाता था कि इतनी कंफर्टेबल राइड नहीं है तो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ थे और शायद, लेकिन अब सिंध में आपके पास अब यानी इस सूबे में आप परफॉर्म करेंगी तो
तो जाहिर है आपकी पार्टी परफॉर्म करेगी, उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब किस तरह, क्या आपका रोड मैप, क्या होमवर्क क्या है, कैसे टैकल करेंगे आप? देखिए जी, सबसे अवलीन तरजीह तो हमारी पूरे सिंध की, खुसूसन कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। और उसमें पिछले 5 साल जब हम कोलिशन गवर्नमेंट में थे तो जब भी हमें बड़े मेजर चैलेंजेस थे। आई थिंक कि अगर मैं ये कहूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मुश्तरका हुकूमत थी सिंध में, उन्होंने अगर अपनी पूरी विल और ताकत के साथ इस मामले को हल करने की कोशिश ना की तो मैं ज्यादती कर रही होंगी। मैं अपने कोलिशन पार्टनर जो माजी के थे उनको ज़रूर ये क्रेडिट देना चाहूँगी कि सब मिलके बैठते थे, सब मिलके एक हल निकालते थे और इसके ऊपर इकदाम उठाते थे। लेकिन कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, अगर ये आप कारकर्दगी सराह रही हैं, आपको ठीक है, अच्छी बात है, आप कह रही हैं कि हम आप सब इकट्ठे बैठते थे, लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट मैं ये नहीं कह रही कि बहुत एग्जेम्पलरी हमने कोई सिचुएशन क्रिएट की वहाँ पर और उसमें हम जबरदस्त तरीके से कामयाब हुए, मैं हरगिज ये बात नहीं कह रही। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चंद ऐसे भी अवामिल थे जो शायद हमारी ताकत से भी ज्यादा ताकतवर थे। आपको ये मालूम होना चाहिए, और आप एक बहुत अच्छे इंटेलिजेंट सहाफ़ी हैं, कि कराची में तालिबानाइजेशन की पॉकेट्स भी हैं और इसकी निशानदेही डेफिनेटली बहुत अरसा पहले हो चुकी थी। लेकिन चंद ऐसे भी लोग थे जो उसको बहुत अरसे तक डिनाई करते रहे। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी इंटेलिजेंस, माजी तो हो गया आशिमिला साहिबा, फ्यूचर की बात, आप फ्यूचर की बात बताएं। फ्यूचर में मैं आपको ये एक बात प्लान क्या कि आपने देखा कि पहले दिन से वजीर आला साहब जो हैं इस मसले को उन्होंने टेकअप किया है। मजीद पुलिस की नफरी जो एक बहुत बड़ा इशू माजी में भी हमारे साथ रहा, वेल इक्विप किया जाए और उसके लिए चाहिए पैसा, पैसा कहाँ से आएगा जी? ख्वाजा इजहारुल हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम, मुझे आवाज आ रही है। जी ख्वाजा साहब फरमाइएगा कि आप जबकि आप अपोजिशन में बैठने का फैसला कर चुके हैं, शर्मिला साहिबा ने आपकी जो कोऑपरेशन है उसका जिक्र किया, लेकिन साथ ये भी तस्लीम किया कि ऐसे काबिल सताइश रिजल्ट्स नहीं निकले, अब आज की सूरत हाल अमना उमान का बताइए और ये बताइए कि हुकूमत अगर कोई स्टेप लेना चाहे तो आप उनके साथ खड़े होंगे? देखिए कराची जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का गुज़िश्ता 9 इंतखाबात से एक मैंडेट रखने वाला सिटी है जहाँ की नुमाइंदा जमात MK में, और ये साथ साथ इकोनॉमिक हब है, इकोनॉमिक नर्व भी है पाकिस्तान का। और जब हम इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं तो इसका मतलब ये कि इसमें तमाम मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम लिसानियत, तमाम एथनिसिटीज की, कराची के तारुफ, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, कराची के तारुफ अपनी जगह। मैं कह रहा हूँ जी, ये जो कत्लो गारत गरी, इसके लिए MQM आपका रोड मैप क्या है, कैसे टैकल करेंगे आप हुकूमत के साथ? थोड़ा सबर का मुजाहरा करें, जब किसी शहर के गैर मामूली शहर के ऊपर हम डिस्कस करते हैं तो उस शहर को उतना टाइम भी देना भाई आप मीडिया पर। जी बिल्कुल, उसके इशू को कर रहा हूँ कि आने वाली और माजी की किसी भी हुकूमत ने इस शहर के हवाले से, जो एक गैर मामूली शहर था जिसकी डायनेमिक्स मैंने आपको बताई, उतने संजीदगी से इकदाम नहीं किए। जहां तक शर्मिला ये कह रही है तो हमारी तमाम तजावीज, चाहे वो प्रेसिडेंट हाउस से लेकर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हाउस और कोर कमेटी तक, वो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन में गई। अगर ऐसा नहीं होता और हमारी तजावीज पे गौर होता तो हमारे 2 सिटिंग MPA और उसके साथ 300 से ज्यादा कारकुनान शहीद नहीं होते इस जमहूरियत को बचाने के लिए। मसला सारा ये है कि इस शहर के अंदर वो तमाम नॉन स्टेक होल्डर भी हैं जो जराइम पेशा अफराद के साथ, जो गैंगस्टर के साथ, लैंड माफिया के साथ, नशियात ड्रग माफिया के साथ, इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों के साथ भी उनके पॉलिटिकल नेक्सस हैं। और इस शहर को यतीम खाने की तरह चारों तरफ से इस तरह से अनचेक छोड़ा हुआ है कि इस शहर की न इकोनॉमी स्टेबल है, ना इस शहर का लॉ एंड ऑर्डर स्टेबल है, ना इस शहर का बिजनेसमैन स्टेबल है। आम शहरी की जिंदगी की बचाने की बात तो दूर की है। यहाँ पीर अमीनुल हसनात साहब हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद में। ख्वाजा साहब एक मिनट जरा उनसे पूछते हैं कि वो कराची के मसले को कैसे देखते हैं, वो किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं और क्या आपका कोऑपरेशन होगा। जी अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। जी मेहरबानी वाली। जी पीर साहब, आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, जी फरमाइएगा। जनाब मैं ये समझता हूँ कोई भी मसला हो उसका हल एक तरह से नहीं हो सकता, तमाम जितने भी डायमेंशन हैं उनकी तरफ से उस मूव करना पड़ता है, तब जाकर मसले का एक मंतकी हल। आप एम्पावर करेंगे इनको, सिंध की पुलिस को, मतलब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन आप कोई एक्स्ट्रा स्टेप लेंगे, इनको फैसिलिटेट करेंगे?
हमारी वज़ीर आज़म ने ये खुले लफ्ज़ों में कहा है कि जितने भी सूबे हैं अमनो अमान की सूरत हाल में और दीगर मुश्किलात में जो वो हमसे मदद मांगेंगे हम खुल के उनकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया हुकूमत को। शर्मिला साहब आप फरमाइएगा कि ये जो आज हमने कराची से शिकायत सुनी है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, ये कहां से बात आई है गवर्नर राज की? देखिए अक्सर हमने पिछले चंद दिनों में बड़े जोरों शोर से ये बात सुनी है। किससे सुनी है? काफी कौन कह रहा है? अखबारात में आई है, टेलीविजन के अंदर जराए से चलती रही है और फिर आपने देखा कि जिस मोहब्बत के साथ नवाज शरीफ साहब मुमताज भुट्टो साहब से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी वोट टेकिंग सेरेमनी में भी वो फ्रंट रो में बैठे हुए थे और ये बातें इलेक्शन से पहले से चल रही हैं। शर्मिला साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा उनका ये इरादा है। हमने देखा कि मतलब कोई स्पेसिफिक दो टोक बात नहीं है, विम्स पे बातें हो रही हैं, अखबारों में पढ़ा कि गवर्नर आज बयान दे दिया, ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी भी इलेक्शन मोड में बैठे हुए हैं सबके सब। और मुश्किल ये है कि जो दिखाई दिया अभी गुफ्तगू से भी कि वो जो पॉलिटिकल टर्फ पे लड़ाई हो रही थी इलेक्शन से पहले वो बदकिस्मती से अभी तक ख़त्म नहीं हुई। दोनों की गुफ्तगू, दोनों सियासी जमातों की गुफ्तगू एक दूसरे से मुतजाद थी। ये ज़रूर है एक अच्छी ख्वाहिश का इजहार होता रहा कि हम सबको मिलजुल कर बैठ कर काम करना चाहिए, लेकिन मिलजुल कर बैठ करने के बयान के साथ साथ ये भी जिक्र होता रहा कि हमारी तमाम पहले जो हमने तजावीज़ दी थी उन पर अमल नहीं हुआ। और इसी तरीके दूसरों ने कहा कि हमसे जब होते थे हम कोलिशन में हम कोई नतीजा नहीं निकाल सके। अब मेरा ख्याल ये है कि इनको सबसे पहले और ख़ास तौर पर फेडरेशन को इस मामले में लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी पुलिस और तमाम वो अदारे जिनका ताल्लुक लॉ इन्फोर्सिंग से है उनको तकवीत पहुँचाने के लिए बाकायदा इंतजाम करने होंगे। हमने देखा कि अदलिया भी वहाँ गई जी, वक्त हुआ है जी कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद जी कुछ भी कार्रवाई ना। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब का, उन्होंने भी हमें वक्त दिया। वक्त हुआ है जी ब्रेक का, उसके बाद यहीं मुलाकात होती है। आपसे देखते रहिए दुनिया न्यूज। गुमशुदा अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा एक अलमनाक बात है। बलूचिस्तान में गुमशुदा अफराद की तादाद के हवाले से कौम परस्त ग्रोहों और इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में वाज़े फर्क है। इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक गुमशुदा अफराद की तादाद 621 है, जबकि कौम परस्त रहनुमाओं के मुताबिक जबरन गुमशुदा लोगों की तादाद 23,000 से ज्यादा है। इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक जनवरी 2011 में गुमशुदा अफराद के 138 केसेस रजिस्टर्ड किए गए, मगर फरवरी 2013 तक गुमशुदा अफराद की तादाद 999 तक जा पहुंची। 378 केसेस निपटाए जा चुके हैं। हुकूमत के मुताबिक कुछ गुमशुदा अफराद अफगानिस्तान और ईरान हिजरत कर चुके हैं। बलूचिस्तान में गुमशुदा अफराद की तादाद में रोज बरोज इजाफे की वजूहात आखिर क्या है? बलूचिस्तान पर यह रिपोर्ट आपने देखी। इस पर गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह ज़हरी साहब, जो कि मशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अमूर पर, और उनके साथ सैनेटर हमदुल्ला साहब जिनका ताल्लुक JUIF फे से है। और आज ही ज़ाहिर है हमने देखा कि डॉक्टर अब्दुल मालिक ने वजारत आला का वो मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन क्या यानी आज अख्तर मैंगल के साथ जो हमने लियाकत बलोच की गुफ्तगू देखी है तो अभी तक कुछ खदशे हैं, वसवसे हैं, हुकूमत तो आ गई, क्या ताकत भी आएगी, क्या इख्तियार भी जाएगा? जी सनाउल्लाह ज़हरी साहब, गुमशुदा अफराद के हवाले से क्या पॉलिसी होगी आपकी हुकूमत की? देखिए जो गुमशुदा अफराद का मसला है उस पर तो आज नहीं, इससे पहले भी हम बड़े वोकल रहे हैं। हमारी पार्टी का जी हमारी पार्टी का एक वाज़े मौकफ रहा है कि जो गुमशुदा अफराद है इनको लाया जाए और किसी ने अगर कोई जुर्म किया है तो उसको अदालतों के सामने पेश किया जाए या कोई ट्रिब्यूनल बनाया जाए जिसके तहत वो उनके जो है ट्रायल किया जाए। तो ये तो वाजे तौर से पहले जब हम गवर्नमेंट में नहीं थे। अच्छा अब जबकि आप जाहिर है कि मशीर हैं और बलूचिस्तान में जो आपकी क्यादत का फैसला है पूरे मुल्क में उसको सराहा गया है, हर जगह उसकी तारीफ हुई है, लेकिन साथ में ये शक भी है कि क्या ताकत वाकई इख्तियार उनके पास होगा, आप होपफुल हैं? हाँ देखिए जी हम तो बिल्कुल जो हुकूमत बनी है उसको फुल फ्लैज हम सपोर्ट करेंगे और हमारी जो है जो क्यादत ने फैसला किया है मनवन हम उस पर अमल कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान की तारीख में पहली दफा जो है डॉक्टर मालिक जो है बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं
हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन ये हमारी जो है फराख दिली का मुजाहरा है और हमने जो इसकी तहसीन हर जगह हुई है। जी सेनेटर हमदुल्ला साहब, एक दफा मुबारक आपको, फिर आप एक दफा फिर हुकूमत का हिस्सा बन चुके। अब फरमाइएगा कि अब आप बलोचिस्तान के यानी जो गुमशुदा अफराद का सबसे बड़ा जो बर्निंग इशू है, क्या पॉलिसी होगी आपकी? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपको मेरी आवाज आ रही है हमदुल्ला साहब? जी जी आ रही है। जी मेरी गुजारिश, हमदुल्ला भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सलाम कह देता हूँ उनको। हमदुल्ला भाई सलाम हो आप। सब नवाब साहब खैरियत से? ठीक खैरियत से, आप ठीक ठाक? जी फरमाइएगा हमदुल्ला साहब। जी बात यह है कि मेरे ख्याल में 65 साल गुजर गए, अभी तक बलूचिस्तान के मसले का समझ जो मैं देख रहा हूँ अभी तक हमें नहीं आया है। बलूचिस्तान में जो गुमशुदा अपराध, मस्कशुदा लाशें, मिसिंग पर्सन, ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी अहदाफ और मकासद क्या है? आपको मालूम है कि ये सिलसिला नवाब अकबर खान बुक्की के वाक़े के बाद शुरू हुआ। नवाब अकबर बुक्की का वाक़िया किसने किया, किसके हाथों हुआ? अब खुशकिस्मती ये है इन पार्टियों के लिए, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी जो कौम परस्त है, उनका नारा और स्लोगन उनके मैनिफेस्टों में ये मौजूद है कि नवाब अकबर के कातिलों को हमारे हवाले किया जाए। उनके कहने के मुताबिक वो मुशर्रफ को कातिल समझते थे, मिसिंग पर्सन और मस्कशुदा लाशें उसके नतीजे में हमें मिले। आज वो इस्लामाबाद में है। अब अब्दुल मालिक बलोच की जिम्मेदारी है कि बैसके वज़ीर आला बलोचिस्तान वफाकी हुकूमत से मुतालबा करे कि ये हमारे हवाले करे। और दूसरी बात ये कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने लापता अपराध केस की समाअत काफी अरसे तक करता रहा, वो तमाम रिकॉर्ड ये मौजूदा वज़ीर आला बशमूल अपनी कैबिनेट उठाए, देखे कि उसने गवाही किसने दी और किसके खिलाफ दी, और तमाम वो रिमार्क, वो स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार ने दिए हैं कि हमारे कुछ इदारे ऐसे हैं जिसमें डेथ स्क्वाड मौजूद है। यहाँ पे मैं एसएम जफर साहब को गुजारिश करूंगा कि आपने सेनेटर साहब की, हमदुल्ला साहब की गुफ्तगू सुनी, क्या कमेंट करेंगे आप? क्या यहाँ पे हम यानी ये मुमकिन है कि, और दूसरा ये पहले जितने मसाइल हैं, एक मतलब अब ये जो फरमा रहे हैं, अब क्या बात सुनी उनकी, उनसे भी गुजारिश होगी और डॉक्टर अब्दुल मालिक तक भी बात पहुंचनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर अब सूबे की जिम्मेदारी है और अब फेडरेशन के ऊपर इल्ज़ाम देने की बात छोड़ दें और इस जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझें और हमें बताएं तफ्तीश करके, पता करके कि मिसिंग पर्सन हैं कौन से और कितने हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे वो हैं जो ईरान चले गए हैं या अफगानिस्तान चले गए हैं या वैसे अपने घरों से गायब हैं और ना मालूम और क्या सूरत हाल है। तो मुनासिब ही होगा कि अब फेडरेशन के मुतालिक और फेडरेशन पर बोझ डालने के बजाय ये जिम्मेदारी खुद लें। जी सनाउल्ला जारी साहब, आप सुन रहे हैं, मतलब एसएम जफर साहब, आपका कहना ये है कि ये तो अब आपकी जिम्मेदारी है। जी जी बिल्कुल सही कहा एसएम जफर भाई ने कि अब हमें ये अब हमारी जिम्मेदारी है और चूंकि हमने जो है जो फेडरेशन की पार्टियां हैं, फेडरेशन की सियासत करते हैं, हमने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए नेशनलिस्टों को हुकूमत सौंप दी है। अब ये नेशनलिस्टों की जिम्मेदारी है। बड़ी अच्छी बात कही है एसएम जफर भाई ने। बड़े जी पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीर साहब से भी पूछना चाहेंगे कि पीर अमीरुल इस्लाम साहब मेरी बात तो सुन लें आप। मेरी बात तो सुन लें आप, इतनी जल्दी में तो फिर लाइन पे लिया ना करें ना आप। जी फरमाइए। तो मसला ये है कि अब वाकई जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और चीफ मिनिस्टर इस वक्त बाख्तियार आदमी है, चीफ एग्जीक्यूटिव है अपने सूबे के, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बताएं कि कितने लोग कहाँ हैं, क्या है और किस तरीके से उनके जो है वो मिसिंग पर्सन्स को बाजियाब कराना है। तो मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से सूबे में भी जो उनको सपोर्ट हासिल होगी और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सपोर्ट इस मसले पे होगी, हम मुकम्मल तौर पर उन्हें सपोर्ट करेंगे। पीर साहब आप तो जाहिर है मेरा ख्याल है कि सनाउल्ला जरीन साहब की बात से इत्तेफाक ही करेंगे। आप तक आवाज़ आ रही है? यकीनन जी यकीनन। मैं समझता हूँ जारी साहब से बेहतर इन मामलात और वाक़ियात को कौन जानता है, इसलिए इंशाल्लाह जो हमारी हुकूमत ने फैसला किया है बहुत ही वसी सोच के साथ उन्होंने ये हुकूमत इन दोस्तों के हवाले की है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये कुछ डिलीवर करेंगे। सेनेटर हमदुल्ला साहब लास्ट नोट, यानी अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, जी फरमाइएगा। अब आपका जो मैं जफर साहब की बात को बढ़ाता हूँ, वो कहते हैं कि अभी प्रोविंशियल मैटर है,
कि वो मस्का शुदा लाशों का सद जवाब करे और मिसिंग पर्सन का सद जवाब करे। इससे मसला हल नहीं होगा कि सद जवाब करे, मसला उस वक्त हल होगा जितनी लाशें गिरी हैं इसका जिम्मेदार कौन है, जितने लोग मिसिंग हुए हैं इसका जिम्मेदार कौन है, उनको अदालत के कठेरे में इस हुकूमत ने बहसत हुकूमत कड़ी करनी है। जी बहुत शुक्रिया, यू मेड योर पॉइंट्स, थैंक यू वेरी मच। जी फ्यू सेकंड्स, जी बताइए। मैं पहले तो सनाउल्लाह को साहब को मुबारक दूंगा कि वो मुशीर बन गए हैं और उन्होंने मुशीर की हैसियत में बड़े अच्छे बयान। सेनेटर साहब ने जो कहा है कि जब तक कानून के कटहरे में और ये जो वो बातें कर रहे हैं कि जिम्मेदारों को लाया जाए, इंसाफ से ताल्लुक है उसका, लेकिन मिसिंग पर्सन जो है वो आज गायब हैं, जो आज गायब हैं उनको हाजिर करना अब सूबे की जिम्मेदारी है या उन पर राय देनी अब सूबे की जिम्मेदारी है। और फेडरेशन क्या करती है और अदलिया क्या करती है उस मामले में जो इन्होंने जिक्र किया है वो एक अलहदा मामला है, लेकिन अब ये दोनों को प्रिंसिपल जो उसकी आप कहते हैं रिस्पॉन्सिबल प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी। वक्त हुआ जी एक ब्रेक का, उसके बाद यहीं आपसे मुलाकात होती है, देखते रहिए दुनिया न्यूज़। जी वेलकम बैक। असम सफर साहब, खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं कि वहाँ पे अब जो देखने में आ रहा है वो ये है कि इत्तेहादी तो हैं वहाँ जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ, लेकिन जमात इस्लामी जो है वो मरकज़ में वोट देती है नवाज शरीफ को। अब क्या इसका मतलब ये है कि ये कोई तहरीक इंसाफ को ज़रा थोड़ा पख्तूनख्वा में थोड़ा ज़रा ऑन द टोज रखना है, क्या इसका मकसद? असद कैसर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद हैं, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। असद कैसर साहब फरमाइएगा, सबसे पहले तो ये कि क्या आपके और आपके कोलिशन पार्टनर्स का कोई इख्तलाफ तो है नहीं है, वजह बिल्कुल चीज़ें तय हो चुकी हैं या अभी कुछ बाकी है? नहीं मतलब मेरे हम इस वक्त हमारा बहुत एक मिसाली अंडरस्टैंडिंग है, कोई इस किस्म की कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारी रेगुलर मीटिंग होती है, इश्यूज पे डिस्कशन होती है। और गुज़िश्ता दिन हम तो मैं सरागढ़ साहब और सिकंदर शिरपाओ इकट्ठे गए थे हंगू, और दीगर जितने भी इशूज है रेगुलर हमारे उसके ऊपर मशावरत होती है। तो हमारे एक तो बहुत तो आप तहरीक इंसाफ कैसे देखती है कि आपके पार्टनर्स जो हैं वो वफाक में नवाज शरीफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब वो वहाँ चले जाते हैं, फिर आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए ये उसकी हमारे साथ तो उसकी जो प्रोविंशियल लेवल पे उसकी एक अलायंस है, अगर सेंटर में उसकी कोई और अंडरस्टैंडिंग है तो वो सेंट्रल पार्टी की उसकी होगी, लेकिन हमारे साथ जो उसकी एग्रीमेंट हुई है वो सूबाई लेवल पे हुई है, और हमारी सूबाई हुकूमत जो है ना वो हमारी इत्तेहादी है, और हमें बिल्कुल एक इस तरह चल रहे हैं कि जैसे एक पार्टी हो वो इत्तेहादी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत का। अच्छा जी एस एम सफर साहब, एक मैं गुजारिश आपसे करना चाहूँ कि एक मीटिंग का आज तस्करा अगर नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी, जो कि आज पिंडी में हुई है, तीन मिलिट्री कमांडर्स यानी अफगानिस्तान एसाफ और पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ मीटिंग हुई है, और इसके साथ साथ ही ब्रैकेट किया जाता है कि ड्रोन अटैक का शायद कोई इस ताल्लुक हो। तो पहले मैं ये गुजारिश करूँ कि हमारे जो दोस्त आर्म्ड फोर्सेज में हैं, एक बड़ी जिम्मेदार शख्सियत से मेरी आज बात हुई, और मैंने उनसे जब ये पूछा तो उन्होंने मुझे बड़ी वजाहत से बताया कि एक तो ड्रोन अटैक्स जो हैं ये CIA ऑपरेट करती है, और फ्यूचर ये वाशिंगटन से ऑपरेट होते हैं, और फ्यूचर में इसका कंट्रोल जब पेंटागन के पास जाएगा तो वो भी ऑपरेट ये वाशिंगटन से ही होंगे। दूसरा उन्होंने मुझे फरमाया कि ये जो आज मीटिंग हुई है पिंडी में तीन जनरल्स की, ये मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग थी जो ग्राउंड ऑपरेशन के हवाले से एक रूटीन की मीटिंग है। अब आप फरमाइएगा ड्रोन के हवाले से आप कुछ फरमा रहे थे कि ये नई टेक्नोलॉजी को हम समझ पाए हैं या नहीं? देखिए जी, अमेरिका के इस मामले में कि आइंदा को हम जो ग्लोबल वर्ल्ड पे जहाँ हम पहले रीच करते थे पहुँचते थे रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स जो बड़ी महंगी थी, उसकी जगह हम क्या करें जिससे हमारी प्रेजेंस मौजूद हो। उन्होंने दो किस्म की टेक्नोलॉजी डेवलप की है, एक ड्रोन टेक्नोलॉजी और एक साइबर। साइबर अटैक वो है जिसमें कि आप वर्म्स डाल देते हैं किसी के इंस्ट्रूमेंट में, किसी के सेंट्रीफ्यूज में, और अब ये गवाही मिल चुकी है कि ईरान के सेंट्रीफ्यूज में साइबर वर्म दाखिल किए गए और उनके 1000 से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज आए हो गए। और ड्रोन तादाद आप बता रहे थे कितनी? ड्रोन की तादाद अब इतनी बढ़ गई है कि 30,000 के करीब नए ड्रोन और सोफिस्टिकेटेड ड्रोन तैयार हो चुके हैं, कई कंपनियों को इसका ठेका दिया गया। और मैंने अभी शायद पहले जिक्र किया था के पायलट्स जो कहते हैं एयरफोर्स के। जी साहब आखिरी को बात, इस फ्यू सेकंड्स हमारे पास हैं, अगर आपको बात करना चाहें तो। जब मैं एक बात गुजारिश करना चाह रहा हूँ, आपने इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से जब गुफ्तगू की थी तो आपने कहा था कि सच बात करनी चाहिए, तो सच बात यह है कि कौम और मुल्क को मिल्लत का मफाद सबसे ज़्यादा हमें अजीज़ है। मेरी हुकूमत, मेरी लीडरशिप
इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कोशिश करेगी जिस तरह दीगर हमारी मुश्किलें और चैलेंजेस हैं उनसे मुकाबला किया जाएगा, इसी तरह हम इस ड्रोन की पॉलिसी को भी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फिर साहब, आपने हमें वक्त दिया उसका जरूर, और बहुत बहुत शुक्रिया आसिम जफर साहब, आपने हमें वक्त दिया। साहब ने बात ठीक की है, कोशिश करेंगे, कामयाबी की उम्मीद का जिक्र नहीं किया लेकिन कोशिश, सच्ची बात यह है कि बतौर पाकिस्तानी कोशिश है, कोशिश है, और ये बड़ी, ये भी बहरहाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, पीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, बिफोर वी कंक्लूड द शो, मैंने आपसे शो के आगाज़ में कहा था कि एक मसला है इंसानी जिसकी तरफ हमें देखना होगा, देखना चाहिए। अच्छा, अब एक पैकेज हम प्ले करने लगे हैं, उससे पहले मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि मौत, कोई भी मुसीबत या बला आसमान से जब नाजिल होती है तो आमतौर पर वो एड्रेस देकर नहीं जाती कि इसका नॉक करना है, इसकी तरफ जाना है। ज़िंदगी मौत हम सबके साथ है, किसी कोई भी कभी भी जा सकता है, लेकिन जाने का तकलीफ दे तरीन तरीका ये हो सकता है कि एक तो आपको पता चल जाए कि आपके पास वक्त इतना है, और उससे भी बुरी बात यह कि अस्पताल कोई आपके मरीज़ को एडमिट ना करे और वो ये कहे कि आप घर ले जाएं। अच्छा, इसका एक हल जो मगरब में या बाकी दुनिया में मिलता है वो ये है कि एक हॉस्पिटल होता है जहां मरीजों का इलाज होता है, एक हॉस्पिक होता है जहां पे वो लाइलाज मरीजों को ले जाया जाता है ताकि उनके आखिरी दिन कम से कम तकलीफ के साथ गुजर सकें। आप इससे पहले कि मैं बात मजीद आगे बढ़ाऊँ, ये पैकेज देखिए। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके आंगन में औलाद की सूरत में एक खूबसूरत फूल खिले, और फिर इस औलाद की कामयाबी के लिए हजारों ख्वाहिशें बुनी जाती हैं। यही कुछ सोचा था 7 साला हसाम के वालिदैन ने, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। वालिदैन ने इस आजमाइश का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, मगर डॉक्टर्स का किताबी इल्म हसाम का इलाज करने से कासिर रहा, और इसी बुनियाद पर हसाम को ला इलाज करार दे दिया गया। बस घर में है, बिल्कुल बेड रेस्ट पे है, डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ है, तकरीबन 5 महीने से बेड पे है बच्चा, और आपने हालत उसकी देखी है। कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहा? कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं करता। क्या किया जाए इस तरह के जो पेशेंट हैं आपके बेटे के लिए, क्या किया जाए? एक तो ये जी कि गवर्नमेंट को इस पे तवज्जो देनी चाहिए, तवज्जो ये देनी चाहिए कि जैसे कोई हाउसेज या जो भी बनाने चाहिए जो लाइलाज मरीज हों, उनके कम अज कम को केयर हो सके उनके वालदैन के ऊपर। जो जो लाइलाज मरीज अगर हैं भी तो उनके लिए कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, और इस पे एक तीसरा काम जो ये रिसर्च होनी चाहिए। ये बच्चा आया, हम इसके लिए कोई ये दवा दे दें, कोई ये इलाज कर दें, ये ऑपरेशन कर दें कि शायद कोई किसी तरह भी कोई उसमें बेहतरी आ जाए। बस आप यकीन करें कि हम जिस डॉक्टर के पास गए उसने कहा बच्चे को बाहर कमरे से ले जाएं, तो जी सॉरी। आज इसकी बेबसी और दुख इस बात का तकाजा करता है कि मेरे लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदामात किए जा सकते हैं, या फिर मैं अल्लाह की रजा मानकर सब्र करूं। लरस जाती है इंसानियत, आदमी परेशान हो जाता है सोच के कि जब माँ और बाप खुद ये कहें कि इस बच्चे पे कोई एक्सपेरिमेंट ही कर लो, को तजुर्बा ही कर लो। 5 महीने से ये बच्चा, मैं इसके पास गया जाके देखा, और इसमें अजीब बात यह है, खुशाइंद बात कहिए क्या कहिए या तकलीफ दे कहिए, कि इस बच्चे का जो ब्रेन है, जो जहन है, वो बिल्कुल मुतहरक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसको तमाम सेंसेस हैं, लेकिन ज़ाहिर हालात। इस पैकेज का अगला हिस्सा प्ले करने से पहले एक तो फॉर्मली मैं साइन ऑफ करता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दूसरा ये कि मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि नरम दिल, मैं कमज़ोर दिल नहीं कहता, लेकिन नरम दिल ख़वातीनों हज़रात, ये जो पैकेज अब प्ले होने वाला है जिसमें इस बच्चे ने बातें की हैं, इसको ना देखें, बच्चे इसको ना देखें, लेकिन आंखें बंद करके अपने दिल की आवाज़ से भी सुनिए इस बच्चे की दुआएं, और ये दुआ मांगेगा, मुझे यकीन है कि आप ज़रूर आमीन करेंगे, मुझे यकीन है कि आप इसके लिए दुआ भी ज़रूर करेंगे। इजाज़त दीजिए, और इस सवाल के साथ, ये मैं कोई यहाँ पर कोई पॉइंट्स करूँ कि कोई हमारे पास गुंजाइश नहीं है किसी हुकूमत पर, किसी पार्टी पर नहीं, ये बतौर मुआशरा हम सब सोचना, हम सब का काम है कि हम इस तरह के लोगों के लिए, लाइलाज लोगों के लिए क्या करें। ये पैकेज प्ले होने वाला है, इसको देखिए, बच्चे की दुआएं सुनिए, और दोबारा से गुजारिश कि नरम दिल के ख़वातीन हज़रात इसको देखें मत, लेकिन इसकी गुफ्तगू ज़रूर सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटे आपका? हसाम उमर। हसाम उमर, अच्छा ये कहाँ तक पढ़े हैं आप? केटू। अच्छा केटू तक आप गए हैं? जी। अच्छा तो स्कूल आपको, आपके दोस्त भी होंगे, फ्रेंड्स भी होंगे? हाँ। अच्छा तो ये कब से बीमार हैं आप, क्या हो गया आपको?
मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ। तो ये तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शफा दे देगा, आप ठीक हो जाओगे फिर से। तो अभी जो आपको देख रहे हैं, आपके दोस्त देख रहे हैं, आपके टीचर्स आपको देख रही हैं, बहुत सारे अंकल आपको देख रहे हैं, आंटीज आपको देख रही हैं, अपने फ्रेंड से, अंकल से, भाइयों से, बहनों से क्या कहोगे? तो मेरे लिए बहुत सारी दुआ करें और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, यही कुछ कहूंगा बस। अच्छा, आपके सारे फ्रेंड्स, आपकी सारी बहनें, आपके सारे भाई, आपके सारे अंकल, आपकी सारी आंटियां, सब के सब इंशाल्लाह आपको दुआएं देंगी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे और फिर से स्कूल जाओगे, ठीक है? अल्लाह ताला मुझे जल्दी से ठीक कर दे। आमीन।